मत करे गांव के तंगइयों को, एक धक्का और मारो, सारे कैदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, साथी तीस्ता को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। न सिर्फ हिंसा चलने दी गई, हिंसा में जो शामिल थे उनको बचाने की कोशिश की गई। हालांकि कितने लोग मार दिए गए ये पूछना चाहिए। हिरेन पांडे की हत्या क्यों हुई, सोहराबुद्दीन की हत्या क्यों हुई, तुलसी प्रजापति की हत्या क्यों हुई, जस्टिस रॉय की हत्या क्यों हुई, मतलब ये सब अपने आप ही मरे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब अदालत ये कह रही है कि हमें यह कोशिश कतई नहीं करनी चाहिए और जो इंसाफ लेने की कोशिश करेगा वही मुजरिम है। एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो जिम्मेदार है और रहेंगे। तीस्ता सितरवाड़ की गिरफ्तारी हिंदुस्तान की नाइंसाफियों का इतिहास जब लिखा जाएगा, और ऐसी नाइंसाफियां जिनमें अदालत ने एक भूमिका निभाई, तो उसमें तीस्ता सितरवाड़ की गिरफ्तारी को जगह मिलेगी। यह एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, इसलिए कि एक शख्स जो किसी और के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता है या लड़ती है, उस शख्स की इंसाफ की लड़ाई को ही आप जुर्म साबित करते हैं, उसे मुजरिम साबित करते हैं। इससे ज़्यादा बुरी बात, मैं किसी सख्त लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं हो सकती। पीएम मोदी को गोधरा वाले पूरे मामले में क्लीन चिट दी गई है, और कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में तीस्ता सितरवाड़ का जो एक रोल रहा वो सबने देखा, तो कहीं जोड़ के देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनको बदनाम करने के लिए एक साजिश रची थी। सवाल किसी एक शख्स का नहीं है, उनका नाम कुछ भी हो, सवाल यह है कि वो किसी एक सरकार के मुखिया थे और वो सरकार गुजरात के सारे लोगों की सरकार थी। अगर गुजरात के समाज के एक हिस्से पर हमला हो रहा था तो उनकी सरकार के मुखिया का यह फ़र्ज़ था कि उस हमले को वो रोके, उसमें जो शामिल थे उनको सज़ा दिलाने का काम करे, जो शिकार हुए उनको इंसाफ दिलाने का काम करे। यह बात अब दस्तावेज़ों में है कि हुआ क्या। न सिर्फ हिंसा चलने दी गई, हिंसा में जो शामिल थे उनको बचाने की कोशिश की गई। यह बात खुद सबसे बड़ी अदालत ने नोट की 2004 में, जब उसने कहा कि कोई दिलचस्पी नहीं है गुजरात सरकार की सज़ा दिलाने में, बल्कि वो नीरो की तरह बर्ताव कर रही है, मॉडर्न डे नीरो। तो यह तो कोई तीस्ता नहीं कह रही थी, यह तो खुद सबसे बड़ी अदालत कह रही थी। तो सवाल एक शख्स का नहीं है, वह शख्स मुखिया था एक सरकार का, उस सरकार के कुछ फ़र्ज थे। सवाल यह है कि वह हिंसा इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैल गई। सवाल यह है कि जो बार बार लोग बाकायदा गवाही दे रहे हैं रिकॉर्ड पर और ख़तरा उठा के गवाही दे रहे हैं कि इंसाफ जा एहसान जाफरी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को फ़ोन किया, उनके साथ अपमानजनक तरीके से बात की गई, उसके बाद उनका कत्ल हुआ। तो अगर हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि कोई घटना कैसे घटी, कोई अपराध कैसे हुआ, उसमें कौन शामिल था, ये जानने में हमारी रुचि है या नहीं, सवाल यह है। फैक्ट फाइंडिंग इसी वजह से की जाती है, सरकारों की रुचि होनी चाहिए, अदालतों की रुचि होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि अब अदालत यह कह रही है कि हमें यह कोशिश कतई नहीं करनी चाहिए और जो इंसाफ लेने की कोशिश करेगा वही मुजरिम है। पूरी तरह से गैर कानूनी है, और कोई भी आपने FIR में जिस बेसिस पे आपने FIR लॉन्च किया है उसका कोई भी कानूनी बेसिस नहीं है। सिंपली कि कोई ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अगर 20 साल से केस लड़ रहा है तो वो गुनाहगार नहीं हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कॉन्डमनेशन तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया उसकी एक लाइन के बारे में कहूँगी, मुझे नहीं मालूम है कि ये जजेस का इरादा था कि नहीं था, क्योंकि इस जजमेंट में किसी जज का सिग्नेचर नहीं है और कई लाइनों का सेंस भी नहीं पता चलता है, वो ग्रामर किधर उधर है कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उन्होंने उंगली उठाई है तो बहुत गलत काम किया है। आप उन पुलिस वालों पे उंगली तो नहीं उठाते हैं जो फर्जी केस करके 25 साल लोगों को जेल में रखते हैं, आपने उनके खिलाफ उंगली नहीं उठाई, आपने कहा केस झूठा था और उनको रिहा कर दिया, 25 साल बाद उनकी ज़िंदगी वापस कौन देगा। लेकिन एक जो पूरे गरीब तबके के लिए, पीड़ित तबके के लिए ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि लोग कितनी जेनोसाइड वहाँ पे हुई, उसके बाद जो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जिनके पति की
को जिंदा जला दिया गया उनके सामने, वो अगर न्याय के लिए लड़ रही हैं तो उसमें ताज्जुब की क्या बात है? और अगर लड़ रही हैं तो अकेले तो नहीं कोई लड़ सकता है ना, आपको लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, आपको संस्थाओं की मदद की, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की मदद की ज़रूरत पड़ती है, वकीलों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या ये गुनाह हो गया किसी की मदद करना? गरीबों की, लाचारों की मदद करना क्या गुनाह हो गया? जो पावरफुल स्टेट है उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाचारों को ज़रूरत है और वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। तो ये गुनाह कैसे साबित हो गया? और सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन सा सबूत है कि इन्होंने जो एविडेंस दिया है वो झूठा है? आप उनके खिलाफ अलग से केस चलाओ, प्रूफ करो कि वो झूठा है। और गुनाह क्या है? कोई गुनाह नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि तीन जो गवाह हैं उन्होंने मोटिवेटेड गवाह थे, संजीव भट्ट के अपनी नौकरी की शुरुआत में यंग मैन, उसको क्या मोटिवेशन होगा सरकार के खिलाफ? वो क्या डिसग्रंटलमेंट था उसका? कोई डिसग्रंटलमेंट नहीं था, 5 साल की नौकरी थी उसकी सिर्फ, लेकिन उसकी उसका ज़मीर जो था वो तगड़ा था। उसने कहा कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ मुझे उठानी पड़ेगी जो मैंने देखा है कि हुआ है, और वो स्टेट के खिलाफ बिल्कुल नहीं था लेकिन अपने ज़मीर के साथ था। आप उसके खिलाफ है, आप डिसग्रंटल्ड है क्योंकि आपके खिलाफ गवाही दी गई, तो उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ी। एक पुराने 30 साल पुराने केस में झूठा आरोप लगा के उनको उम्र कैद कर दी गई, तो डिसग्रंटल्ड वो नहीं है। आर वी श्री कुमार वो रेयर ब्रीड में से हैं जिनको एक ईमानदारी के, ज़मीर के बेसिस पे उन्होंने एक पावरफुल फोर्स के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। आसान नहीं होता है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि क्लीन चिट होनी चाहिए, कुछ नहीं। अगर आपने आरोप अगर साबित नहीं हुआ कि उन्होंने खुद डायरेक्ट किया कि हिंसा होने दो, अगर हम मान भी लें एक वक्त एक मिनट के लिए कि वो सबूत साबित नहीं हुआ, हालांकि कितने लोग मार दिए गए ये पूछना चाहिए। हिरेन पांडे की हत्या क्यों हुई, सोहराबुद्दीन की हत्या क्यों हुई, तुलसी प्रजापति की हत्या क्यों हुई, जस्टिस लॉय की हत्या क्यों हुई, मतलब ये सब अपने आप ही मरे जा रहे हैं लोग, फिर भी उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो जिम्मेदार है और रहेंगे। माफ करे गांव के दंगाइयों को, सारे कैदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, साथी तीस्ता को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। माफ करे गांव के दंगाइयों को, सारे कैदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, साथी तीस्ता को रिहा करो, रिहा करो। ना सिर्फ हिंसा चलने दी गई, हिंसा में जो शामिल थे उनको बचाने की कोशिश की गई, हालांकि कितने लोग मार दिए गए ये पूछना चाहिए। हिरेन पांडे की हत्या क्यों हुई, सोहराबुद्दीन की हत्या क्यों हुई, तुलसी प्रजापति की हत्या क्यों हुई, जस्टिस लॉय की हत्या क्यों हुई, मतलब ये सब अपने आप ही मरे जा रहे हैं लोग। ऐसा लगता है कि अब अदालत ये कह रही है कि हमें यह कोशिश कतई नहीं करनी चाहिए और जो इंसाफ लेने की कोशिश करेगा वही मुजरिम है। एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो जिम्मेदार है और रहेंगे।